श्रीलंका में महिंद्रा राजपक्षे ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद जब लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की थी तो पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी कुमार संगकारा ने उन पर जोरदार निशाना साधा। आपको बता दें कि बीते दिनों में महिंद्रा राजपक्षे के समर्थकों ने प्रदर्शनकारियों पर हमला कर दिया था, जिस वजह से कई लोगों की जानें भी गईं। श्रीलंका का संकट उस स्थिति में पहुंच गया था कि लोगों ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री से लेकर मंत्रियों तक नहीं छोड़ रहे थे। हाल में ही महिंद्रा राजपक्षे के पैतृक घर को भी आग लगा दी गई, जिसके बाद उन्हें सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ा। रक्षा मंत्रालय के सचिव कमल गुणरत्ने ने जानकारी दी कि पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे को त्रिंकोमाली स्थित नौसेना अड्डे पर ले जाया गया, जहाँ वह सुरक्षित के घेरे में है। और फिलहाल श्रीलंका में बीते एक महीने के भीतर दो बार आपातकाल भी लग चुका है। हालांकि श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने इस बीच राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि जल्द ही नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, जो राजपक्षे परिवार से नहीं होगा। उसके बाद श्रीलंका में विपक्ष के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे देश के 26वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को स्थिरता प्रदान करने के लिए बृहस्पतिवार को उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। श्रीलंका के लोगों ने वास्तव में अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। भारत से एक साल बाद यानी कि 1948 में आज़ाद हुआ श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। आपको बता दें कि आर्थिक संकट ने श्रीलंका को ऐसे मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया जहां दुनिया भर के देश, खासकर दक्षिण एशियाई मुल्क, सबक ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।